जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। खुशखबरी, नए एवं पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए 2024-25 सत्र के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का आदेश, अतिथि शिक्षकों को नियमित एवं इंसाफ करने की का खुशखबरी। च्वाइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू, नए एवं पुराने आज से ज्वाइनिंग ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू। ताज़ा खबर, पूरी खबर मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। और पहली बार अगर वीडियो पर जुड़े हैं या चैनल पर जुड़े हैं तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ हर शिक्षक भर्ती से संबंधित अतिथि शिक्षक से छोटी बड़ी खबर सही और सटीक बताई जाती। तो देखिए, मैं आपको अभी लेटर की ओर, ऑफिशियल लेटर की ओर तो ले ही चल रहा है, उससे पहले मैं बता दूँ, कल इंदौर में मुख्यमंत्री साहब ने प्रेस के दौरान कहा कि जो अतिथि शिक्षकों के साथ है पूरा न्याय किया जाएगा। तो इसमें से आप लोगों के पूरे पूरे चांस बनते हैं कि आपको नियमित करने के पूरे पूरे उनके, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का भी उनके ऊपर दबाव है कि भैया मैंने आपको मुख्यमंत्री बना कुर्सी दे दी है, तो आपका भी फर्ज बनता है जो मैंने वादे किए हैं वो पूरे करो। तो लगभग आप लोगों के 99% चांस हैं, खुशखबरी है कि आप नियमित होने के। तो चलिए और बाकी की प्रक्रिया जान लेते हैं। देखिए, यहाँ से आज की अपडेट है, गेस्ट टीचर GFMS पोर्टल पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग एवं ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया दिनांक 4 सितंबर 2024 से 6 PM से प्रारंभ हो जाएगी, मतलब शाम को हो जाएगी आपकी 6 बजे से। तो ये समझ लीजिए कि कल से आपका सही काम होगा, क्योंकि जो सरकारी वर्क हैं वो ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाएगी, बाकी के आपके जो साला परिवारी वगैरह वो कल ही कर पाएंगे। यहाँ सीधा उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर भी जारी किया है, तो देखिए ऑफिशियल लेटर है, विनय पांडे के द्वारा है, उप संचालक हैं और अतिथि शिक्षक GFM पोर्टल पर। तो देखो यहाँ इन्होंने जो लेटर जारी किया है उसको समझते हैं। इन्होंने कहा है कि संदर्भित पत्र में अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में संशोधन, अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई है उसको सही करके दिनांक 28/8/2024 से शेष रिक्तियों के विरुद्ध अतिथि आवेदकों हेतु शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया था, किंतु उक्त कार्रवाई आज दिनांक तक आरंभ नहीं हो सकी है। अतः कृपया प्रथमतः अतिथि शिक्षकों से संदर्भित प्रश्नानुसार संशोधित स्कोर कार्ड जारी करते हुए शैक्षिक सत्र 2024 में शेष नवीन रिक्तियों के विरुद्ध 24/9/2024 से आवेदन हेतु GFM पोर्टल पर शाला विकल्प चयन प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। तो देखिए, ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही आज से आपका निराकरण शुरू हो जाएगा, किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरी बड़ी खबर है कि आप लोगों के साथ बहुत बड़ी अच्छी खबर आने वाली है, मुख्यमंत्री के द्वारा जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, ये आपको आज की बड़ी खबर बता दें। और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में भी पूछ सकते, क्योंकि आपकी हर छोटी बड़ी खबर और आपकी आवाज़ उठाने में सबसे पहले सबसे आगे रहने वाला चैनल है सिद्धार्थ सर। थैंक यू।